नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने खेत में बोरवेल कराना चाहते हैं, मोटर लगाना चाहते हैं और आपके धरती के अंदर आपने पानी चेक करवाया, खारा है, बहुत ही ज़्यादा खारा है, तो क्या करें? आपको फसल भी पकानी है, आपकी वाई है एक मरबे के आसपास, मतलब आधा मरबा एक मरबे के आसपास है, वाई ज़्यादा है और हमें बोर भी करवाना है क्योंकि पानी पूरा नहीं हो पाता नहर का, तो एक तरीका बताएं। तो दोस्तों ये कमेंट था तो इसके ऊपर मैं अब वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों इसके कई तरीके हैं। दोस्तों पहला तरीका कि आप कर क्या सकते हैं कि आप दो बोर करवा सकते हैं। आपको क्या करना होगा, फिल्टर का पानी लेना होगा। देखो मैं आपको एक पूरा सेटअप बताता हूँ इस वीडियो में। करना क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आपको सूरज प्लेट नहीं लगवानी, इस बात का जरूर ध्यान रखें दोस्तों। जो नहरी लोग हैं, मतलब जो नहरी मतलब खुला पानी चलाते हैं, एक होता है जो रेतीली ज़मीन वाले जो कि फुहारे चलाते हैं, उनके लिए अलग सेटअप होगा। जो लोग खुला पानी चाहिए, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो खाड़े से पानी देते हैं पक्की ज़मीन वाले, या फिर जो दोलड़ी ज़मीनें होती है पक्की और रेतली मिक्स होती है, ये उन्हीं के लिए वीडियो स्पेशली। तो दोस्तों उनके लिए क्या है कि आपको दो बोरवेल कराने पड़ेंगे और लाइट कनेक्शन लेना पड़ेगा। आपको करना क्या होगा, आपको 5-5 HP की दो मोटरें डाल सकते हैं। बोर करवाना होगा आपको 12 इंची का, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। दोस्तों कराना कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। आपको पहले बोर कराना 12 इंची, 10 इंची का नहीं करवाना, इस बात का जरूर ध्यान। 12 इंची का बोर कराना है आपको, फिल्टर से डालना है। सेटअप कैसा है दोस्तों कि आपका जो कैप्टी है वो कितने फुट पर है, अंदाज़ा तो होता है कि हाँ कैप्टी इतने फुट में मिल जाती है। तो आप बोरवेल जब कराते हैं तो उस समय कैप्टी मिल जाए तो दोस्तों उस समय होता क्या है कि आपको कैप्टी के अंदर छेद नहीं निकालना है, वहीं पर रुक जाना है और जहाँ से फिल्टर चोआ स्टार्ट हुआ है और जहाँ तक कैप्टी मिली है तो वो कितना फुट हो गया वो आपको मिस्त्री बता देगा। जैसे कि 50 से चोआ स्टार्ट हुआ है, 105 फुट पर कैप्टी आ गई है, तो आप करीबन 5 फिल्टर डाल सकते हैं। 5 के जगह 5.5 भी डाल सकते हैं। तो 5.5 डालने का तरीका होता है कि आपको एक फिल्टर में आधे छेद करवाने होते हैं और आधे नहीं करवाने, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। जिससे होता क्या है दोस्तों, आपको आधे छेद जो आधा 5 फुट का जो छेद कराए वो भी बहुत ही ज़्यादा फायदा करते हैं, क्योंकि आपकी मोटर आपने बड़ी लगाई है। 5 HP फिल्टर का पानी लेने के लिए बड़ी मोटर होती है। अगर आपको 10 इंची बोर करवाएंगे तो आपको 3 HP की मोटर डालनी पड़ेगी। अगर आप 12 इंची करवाएंगे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा पर बेनिफिट ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपके एक मरबे या आधे मरबे की वाई है तो खुला पानी चलाना है तो होगा क्या, ऐसे के ऐसे दो सेटअप करवाने 5-5 HP के। आपको 15 HP का कनेक्शन लेना है ताकि वोल्टेज में कोई दिक्कत ना है, दोनों मोटर अच्छी तरह से चले। दोनों मोटरों आपको हो जाएगा 2 से 2+4 इंची का प्रेशर बन जाए और 4 इंच का प्रेशर आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो कहने का मतलब मैं सच सच बताता हूँ आपको, पक्की जो दोलड़ी ज़मीन होती है, पक्की ज़मीन होती है, अगर आप रक्कड़ बांध जो कि मतलब कोर नहीं कह रहा पानी लगाओ, उसमें अगर आप पक्की ज़मीन में पानी लगाना चाहते हो करीबन 4 से 5 किला 6 घंटे में निकाल दे, क्योंकि लाइट कनेक्शन हमें 6 घंटे का मिलता है, एक दिन में 6 घंटे लाइट मिलती है। दोस्तों लाइट कनेक्शन का इसलिए कह रहा हूँ, सूरज प्लेट में दिक्कत क्या होती है कि कई बार धूप होती है कई बार नहीं होती, और वो सूरज प्लेट का उतना प्रेशर नहीं बन पाता जितना कि लाइट का बनता है। और लाइट का कई लोग कहते हैं कि यार बिल बहुत आता है, दोस्तों ऐसा है कि बिल कोई खास नहीं आता, बहुत कम आता है अगर आप सही यूज करते हैं तो। दोस्तों होता क्या है कि किसानों को सब्सिडी मिलती है, जो लोग आते हैं एग्रीकल्चर में उनको सब्सिडी मिलती है, जो लोग एग्रीकल्चर में नहीं आते जैसे कि चक्की वाले या कोई फैक्ट्री वाले, इन्हीं को जो 3 फेज कनेक्शन लेते हैं उनको नहीं मिलता। और बाकी अगर आप 5 HP की सिंगल फेज में मोटर डाल सकते हैं, सिंगल फेज पे चल जाएगा, और 3 फेज मोटर लाते हैं तो आपको प्रेशर अच्छा मिलेगा और पानी ज़्यादा मिलेगा, 6 घंटे में अच्छे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों दोनों मोटर को एक साथ चलाएंगे, 15 HP का कनेक्शन होगा, बहुत ही बढ़िया चलेगा, लाइट का बिल भी कम आएगा और आपकी खेती भी पक जाएगी। और जो पानी आप चौवे का लेंगे वो दोस्तों ऐसा है कि सिंगल फेस में मैं क्यों नहीं कह रहा, सिंगल फेस का इसकी वजह है एक कि सिंगल फेस में क्या होता है दोस्तों, लाइट हर समय होती है तो आप सारे दिन चलाएंगे तो फिल्टर्स में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, और 3 फेज में क्या होता है 6 घंटे परमानेंट मिलता है तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, लाइट भी ज़्यादा होगी, पानी भी अच्छा मिलेगा और परमानेंट डेली का 6 घंटे आपको लाइट मिलती है। टाइमिंग हर एरिया का अलग अलग होता है। तो इस तरह से आप अपने खेत में बोर करवा सकते हैं, मीठा पानी भी पा सकते हैं, एक छोटा सा उपाय है। अगर आप अपनी राय मुझे कमेंट में बताएं कि आपका एरिया किस तरह का है, कितने फुट पर कैप्टी है, क्या कुछ अगर कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इस सेटअप के ऊपर पूरी वीडियो और भी बना सकता हूँ। पीछे की तरफ देखें तो मेरे भी खुद के मोटर लगी हुई, आप पीछे देख पा रहे हैं स्टार्टर लगे हुए, 3 फेज का कनेक्शन है, 15 की मोटर है, 105 फीट पर कैप्टी, मतलब मैं काम भी ऐसे ही करता हूँ, खेती के संबंधित के काम करता रहता हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।